सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, दिस इज प्रतीक अग्रवाल, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम सीएमएचडी कोलकाता। गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ डिस्कस करूंगा। राउंड वन राउंड टू जो आपको ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बेसिस पे राउंड थ्री का क्या कट ऑफ होना चाहिए वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका क्या वेरियस कट ऑफ्स है और फ्यूचर कट ऑफ्स क्या हो सकते हैं। तो आपका राउंड वन में यूआर कैटेगरी के लिए आपकी कट ऑफ थी 22,943 ऑल इंडिया रैंक, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके मार्क्स थे 611, और राउंड टू में आपका ये कट ऑफ गया है 25,743 ऑल इंडिया रैंक तक, और जिसमें आपके कट ऑफ मार्क्स है लगभग 607 के आसपास। ओबीसी ई कैटेगरी के लिए आपके राउंड वन में कट ऑफ थी 26,128 ऑल इंडिया रैंक, जिसके लिए कट ऑफ मार्क्स थे 605, और राउंड टू में ये कट ऑफ ड्रॉप हुआ है टू मार्क्स ऑफ 26,728, जिसके लिए कट ऑफ मार्क्स थे 604। ओबीसी बी कैटेगरी का बात करें तो उसके लिए आपके राउंड वन में कट ऑफ थी 30,503 विद कट ऑफ मार्क्स ऑफ 597, और राउंड टू में ये ड्रॉप हो गया है, आपका हुआ 33,327 ऑल इंडिया रैंक, जिसमें आपकी कट ऑफ मार्क्स रही 593। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बताऊँ तो उसका आपका कट ऑफ था राउंड वन में 44,665, और उसके लिए आपके कट ऑफ मार्क्स थे 575 मार्क्स, और राउंड टू में भी आपका यही सेम कट ऑफ रहा। एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो उसके लिए आपकी कट ऑफ थी राउंड वन में 99,505, और कट ऑफ मार्क्स थे आपके पास 509 फॉर द एससी कैटेगरी। ये कट ऑफ आपका ड्रॉप हुआ 1,04,871 ऑल इंडिया रैंक तक। अब अगर बात करें अगर एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी के लिए आपके पास कट ऑफ थी राउंड वन में 4,26,553, और यही कट ऑफ आपके सेम रही राउंड टू में भी। तो गैस, ये तो था आपके पास कट ऑफ फॉर द राउंड वन एंड राउंड टू। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपके पास राउंड थ्री में ये कट ऑफ कैसे हो सकता है, मतलब क्या चेंजेस आएंगे आपके राउंड थ्री में। तो ये पर इरेज कर देता हूँ, तो चलिए देखते हैं राउंड थ्री में। तो राउंड थ्री में आपका कट ऑफ जो जा सकता है यूआर कैटेगरी के लिए आपका कट ऑफ हो सकती है वो आप मान सकते हैं कि 26,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास हो सकती है। भाई ओबीसी ई कैटेगरी के बारे में बात करूँ तो ओबीसी ए का आप मान लो, ओबीसी ई कैटेगरी, ओबीसी बी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप मान सकते हो कि 100 से लेके 150 रैंक का ड्रॉप आएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ड्रॉप देखने को शायद आपको नहीं मिले क्योंकि सीट्स ज़्यादा रिमेनिंग है ही नहीं, और पीडब्ल्यूडी के सीट्स भी जो है वो भी ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं। तो इनमें आप 100 से 150 रैंक का डिक्रीज़ मान सकते हो। एससी कैटेगरी के बारे में बोले तो उसमें आप 500 से 1,000 रैंक डिक्रीज़ मान लो, यानी कि आप 1,05,000 या 1,06,000 रैंक तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हो राउंड थ्री के लिए। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में आप मैक्सिमम मान लो 500 से लेके 1,000 रैंक तक आपका डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इसमें भी आपके पास कोई रिमेनिंग सीट्स हैं नहीं, तो आपका कट ऑफ ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होने वाला है। सो गाइस, ये था आपका कट ऑफ प्रेडिक्शन राउंड थ्री के लिए फॉर द नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी अदर रिगार्डिंग आते हैं आपके पास डाउट्स काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कट ऑफ्स के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप जाओ तो मुझे पूछ सकते हो, या फिर वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं तो वहाँ पर डिस्कस करके भी आप लोग आपस में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और गाइस, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल में फॉलो कर लेना जिसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिखिए हसलिंग, कीप रॉकिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।